हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सारिका स्वाद किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल लौकी वाली, जो बेहद ही टेस्टी और मूड को फ्रेश कर दे। तो बताते हैं आज बिल्कुल सीक्रेट नए तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लौकी ले ली है और सबसे पहले हम इसे कट कर लेंगे अच्छे से। और इसको कट करके ये देखिए मैंने इसके दो भाग कर लिए हैं। अब इसके पीछे का सिरा निकाल लिया है और अब हम इसे छील के पीसेस कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने कर लिया है। अब हमने कुकर ले लिया है, इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाला है और उसमें दालचीनी और तेज़पत्ता डाल के अच्छे से गर्म कर लेंगे। और जब ये दोनों अच्छे से गर्म हो जाए तो हम 100 ग्राम करीब ये चना दाल है जिसे धोकर मैंने साफ़ करके 2 से 3 पानी में इसमें ऐड कर दिया। और इसे डालने के बाद अब इसमें हम लौकी डालेंगे। और लौकी डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें नमक डालेंगे और हल्दी पाउडर डालेंगे। और इन सबको डालने के बाद इसमें 2 लहसुन के कली डालेंगे इस तरीके से टुकड़े करते हुए। और अब हम इन सब चीज़ों को डालने के बाद कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 4 से 5 सीटी आने तक इसे बॉईल कर लेंगे। ये देखिए 4 से 5 सीटी के बाद ये अच्छे से बॉईल हो चुकी है। ये देखिए दाल अच्छे से गल चुकी है। तो अब हम बघारने के लिए यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और टमाटर ले लेंगे। और अब हम चलिए इन्हें बघारते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे, उसमें लहसुन, अदरक और उसके बाद एक मीडियम साइज़ की जो छोटी प्याज थी, हमने 2 ली थी उसमें से छोटी वाली। अब इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अब दूसरी तरफ हमने पैन ले लिया है, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिए हैं और उसमें अब हम जीरा ऐड करेंगे। जीरा अच्छे से जब हो जाए तब इसमें हम साबुत लाल मिर्ची ऐड करेंगे। और जब ये अच्छे से हो जाए तब हम इसमें ये देखिए प्याज ऐड कर देंगे। और प्याज को भी अच्छा फ्राई होने देंगे। ये देखिए इस स्टेज तक जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए तब हम प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम में हम इसे पकाएंगे। ये देखिए इस स्टेज तक अच्छे से हो जाए तब हम इसमें हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच। और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। और उसके साथ 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। और इन सबको डाल के गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए अच्छे से भून लेंगे मसालों को। और ये देखिए मसाले बिल्कुल बढ़िया तरीके से भुन गए हैं 1-2 मिनट में। और ये देखिए अब हमने यहाँ पर 2 टमाटर डाल और इसे भी हम मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा ढककर 10 मिनट तक के लिए पका लेंगे। ये देखिए टमाटर और मसाले वगैरह अच्छे से पक गए हैं, तेल छोड़ दिया है। ये देखिए ये अच्छे से पक चुके हैं सारी चीज़ें। अब हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब इसमें हम कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। कड़ी पत्ते से इसका स्वाद और अच्छे से निखर के आता है। तो ज़रूर आप भी कड़ी पत्ता ऐड करें। फिर इसके बाद इसे हम 1 सेकेंड के लिए ढक के और पका लेंगे। और ये सारी चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से पक जाए इस स्टेज तक, देखिए तेल अलग, मसाले अलग हो, तब हमने दाल में, ये दाल मैंने पैन में डाल लिया है कुकर से पलटा कर। और अब तड़का हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर तेज़पत्ता निकाल देंगे क्योंकि इसका स्वाद दाल में आ चुका है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे दाल थोड़ी और थिक चाहिए तो इसलिए मैं 10 मिनट के लिए ढककर इसे पका लूँगी। और ये देखिए 10 मिनट के बाद दाल अच्छे से मिक्स हो गई है। ये देखिए आप और इसे ड्राई करना चाहे तो और कर सकते हैं अच्छी थिक दाल के लिए। मुझे इतना ही चाहिए। अब मैं धनिया की हरी पत्तियों के साथ इसे सर्व करूँगी। तो ये बिल्कुल ही तैयार है। और हरी मिर्चें इसमें ऊपर से डालेंगे, ये टेस्ट भी अच्छा लगेगा और देखने में भी सुंदर लग रहा है।
ये देखिए दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी, चना दाल लौकी वाली। तो सर्व करने की तो दिखने से ही दिख रही है ना, बिल्कुल स्वादिष्ट और यम्मी। तो बिल्कुल आप भी बनाइए, अपनी फ्रेंड्स फैमिली और सबको खिलाइए और थोड़े से अपने मुंह का टेस्ट चेंज करें। और एक बार ज़रूर बना कर देखिए लौकी चना दाल की रेसिपी, आपका मन खुश हो जाएगा। तो आप भी बनाइए, आप भी खाइए और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।